ठहरो ना जी, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं आप रहने दें, मैं चली जाऊंगी। तुम नहीं जानती नुमान बहुत गुस्से वाला है। अस्सलाम वालेकुम, खाना लाई हूँ आपके लिए। कौन कौन हो तुम? मैं नाजी हूँ। कौन नाजी? मासी रजिया की बेटी। वो कहाँ है? वो बीमार है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती घर के काम मैं किया करूंगी। पुपो! पुपो! आप मुझे बताइए क्या काम है, मैं कर देती हूँ। तुम जाओ यहाँ से। लेकिन वो कहा ना जाओ यहाँ से। आप खाना तो खा लें। तुम जाती हो कि नहीं? पुपो! पुपो! क्या हुआ बेटा? इस लड़की को भेजे यहाँ से। ये रजिया मासी की बेटी है नाजी। बताया इसने, ये अभी तक खड़ी है, चली गई। गई कि नहीं? हाँ चली गई बेटा, लेकिन ऐसे नहीं कहते। वो बेचारी सुबह से तुम्हारी पसंद का खाना तैयार कर रही थी। पुपो आप कैसे किसी अनजान को मेरी इजाजत के बगैर मेरे कमरे में भेज सकती हैं? आपको पता है कि मैं अनजान लोगों से कंफर्टेबल नहीं रहता हूं। अगर उसने इस घर में रहना ना तो बाहर सफाई करे, मेरे कमरे में मत आए। मुझ पे किसी को भी तरस खाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जब तक मासी नीना आती मेरे लिए खाना आप बनाएंगी, समझी आप? अच्छा बाबा मैं बना लिया करूंगी, लेकिन अब तो खा लो ना, बेचारी ने इतने प्यार से खाना बनाया। अब बन गया तो खा लेता हूँ, लेकिन कल से नहीं। पता नहीं कैसा बनाया होगा। मैं ना कहती थी कि नुमान बहुत गुस्से वाला है। मैं उनकी हर आदत को अच्छी तरह जानती हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि अम्मी घर में हमेशा उनका जिक्र किया करती हैं, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं, कौन से डिश ज़्यादा शौक से खाते हैं। शाम में लॉन में बैठकर परिंदों के साथ बातें करना उन्हें अच्छा लगता है, शाम की चाय के साथ समोसे बहुत शौक से खाते हैं, वगैरह वगैरह। घर में कोई और उनकी बात तसल्ली से और शौक से सुने या ना सुने, मगर मैंने हमेशा तवज्जो से सुना है, इसीलिए मुझे उनसे मिलने का बहुत शौक था। आज तुम एक इम्तिहान में पास हो गई हो। वो क्या? तुम्हारे हाथ का पकाया हुआ खाना नुमान को बहुत पसंद आया है, उसे पेट भर के खाया है, वरना तो छोड़ देता था। मौसम बदल रहा है। हाँ सर्दी बढ़ती जा रही है। इस लॉन में आते जाते रहना, ये ना हो कि सर्दी बढ़ते ही अपने घोंसलों में जा छुपो। बदलते मौसम के साथ खुद ना बदल जाना। ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें भी आपसे बातें करने की आदत हो गई है, इसलिए आप बेफिक्र हो जाएं, ये आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और वैसे भी ये जो परिंदे होते हैं ना, ये हम इंसानों से कहीं ज़्यादा वफादार होते हैं। सुबह मैं हाइपर हो गया था, पता नहीं क्यों अचानक से मुझे कुछ हो जाता है, बदलती चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती, यूँ अचानक रदो बदल बर्दाश्त नहीं है मुझे। जानती हूँ मैं, अम्मी ने सब कुछ बताया हुआ है आपके बारे में। कैसी तबीयत है उनकी? हॉस्पिटल में दाखिल करवाया है, बुखार बिगड़ गया है उनका। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, बड़ी खिदमत की है उन्होंने हमारी, पिछले 2 साल से वही हैं हमारे साथ। ये समोसे बनाए थे मैंने, आपको शाम की चाय के साथ अच्छे लगते हैं ना?
क्या करती हो? मैट्रिक पास किया है मैंने, आगे पढ़ना तो चाहती थी लेकिन अब्बा ने इजाज़त नहीं दी, इसलिए अब घर में रहती हूँ। मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक था। इस मनहूस एक्सीडेंट ने ना सिर्फ माँ बाप छीने बल्कि मुझसे मेरी ये बिनाई भी छीन ली। ये सब तो अल्लाह के फैसले हैं, वो हमें जिस हाल में भी रखे, हमें शुक्र और सब्र के साथ रहना चाहिए। सब्र ही तो कर रहा हूँ कि उसने मुझे सबका मोहताज और लाचार बना दिया। ठीक है तुम जाओ, मैं कुछ देर अकेला बैठना चाहता हूँ। ये आपकी चाय। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। जैसे सहराओं में हौले से चले बाद नसीम, जैसे बीमार को बेवजह। कौन? मैं हूं। रात में सर्दी बढ़ जाती है, मौसम जो बदल रहा है। मुझे मौसमों के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सारे मौसम एक से हैं। हर मौसम का अपना एक मिजाज होता है सर, आप खिजां को बहार से और बहार को पतझर से कैसे ममासलत दे सकते हैं? जब दिल में खिजां हो तो बहार का मौसम भी पतझर लगता है। दिलों के भी मौसम हुआ करते हैं क्या? कैफियत होती है, जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है। मौसम तो इंसान के अंदर होता है। आधी रात को मेरे कमरे में मत आया था। जा, सो जाओ। जा जी। पप्पा बता रही थी कि बहुत जल्द कोई डोनर मिल जाएगा और फिर आप दोबारा देखने लगेंगे। तो अब मैं दूसरों की आंखों से इस दुनिया को देखूंगा। आंखें बेशक दूसरों की होंगी लेकिन उसमें बसने वाले ख्वाब तो आपके ही होंगे ना। उन आंखों में आपके दिल में बसने वाला प्यार नजर आया करेगा। आंसू, खुशियां, शरारतें, गुस्सा, एहसास, सब कुछ आपका ही तो होगा। आंखें तो बस उसकी तर्जुमानी करेंगी, है ना? लग गया। अरे आपको कैसे पता चला कि मैं आई हूं? मौजूदगी को महसूस किया जाता है, देखा थोड़े ही जाता है। पर इतना तो ख्याल रखती हो मेरा, आदत सी होती जा रही है तुम्हारी। कहते हैं कि अगर वक्त से पहले आदत को नाना बदला जाए तो वो जरूरत बन जाती है। चले आए, खाना ठंडा हो रहा है। तुम्हारे हाथ भी बहुत खूबसूरत होंगे तुम्हारे दिल की तरह। क्या कुछ गलत कह दिया मैंने? आपको पता है आज मैंने आपकी पसंद की डिश बनाई है। चले, ठंडा हो रहा है खाना। जानती हूँ तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ अजीब सा लगेगा, लेकिन अभी तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, यहीं हूँ आपके पास। मेरे पास तो कभी कोई चीज मुस्तकिल ठहरी ही नहीं, इसी डर से तो कभी किसी से मोहब्बत नहीं की।
लेकिन हाँ आप दिल से मोहब्बत करूंगा, उसे दिल की आंखों से देखूंगा, क्योंकि दिल की आंखें कभी कभी धोखा नहीं देती। बहुत लकी होगी वो जिससे आप मोहब्बत करेंगे। खाना भी तो खिलाओ। हाँ जानती हूँ, मेरी माँ भी ऐसे ही मजे के खाने बनाती थी, बहुत जायका था उनके हाथ। शुक्रिया शुक्रिया कि आपने हमारे खाने को पसंद किया। किसी दानिश्वर ने पता है क्या कहा है कि मर्द के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके मैदे में से है। बहुत खुशकिस्मत होगा तुम्हारा शौहर, तुम जैसी बीवी को पाकर इतने मजे मजे के खाने बना के खिलाओगी उसे। जी नहीं, ये सिर्फ आप हैं जिसे मैं अपने हाथ से खाना खिलाती हूँ, शौहर को इतनी ढील नहीं दूंगी। ठीक कह रही है, वो मेरी तरह ना पीना थोड़ा ही होगा। क्या मतलब है आपका? यानी ये सब कुछ मैं इसलिए करती हूँ कि आप नाबीना हैं? तरस खाती हूँ आप पर? नहीं बिल्कुल भी नहीं, गलत सोचते हैं आप। मैंने कभी आपको नाबीना समझा ही नहीं है, आप मेरे लिए जीते जागते एक नॉर्मल इंसान हैं। आपने एक मिनट में मेरे सारे खुलूस को हमदर्दी का नाम दे दिया। अफसोस हुआ, मैं ये सब कुछ इसलिए करती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है, समझे आप? अम्मी ने बताया था सब कुछ आपके बारे में। और ये देखें फूफो भी आ गए। फूफो अब आप खाना खाएं और इन्हें भी खिलाएं, मैं मीठा लेकर आती हूँ। बड़ी अच्छी लड़की है, जब से आई है मेरी आधी से ज्यादा टेंशन दूर हो गई। हद करते हैं आप मीठा खाए बिना अंदर आ गए, मैंने सेवइयां बनाई थी आपके लिए। सॉरी मैंने तुम्हें हर्ट किया। आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। अरे नहीं, गलती तो मेरी है, मैंने तुम्हारी हमदर्दी को गलत समझा। अभी क्या करूं, आज तक कभी किसी से इतना प्यार मिला ही नहीं। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आपने कभी किसी से प्यार किया है? कभी इस दिल ने किसी को इतना करीब आने ही नहीं दिया, लेकिन पता नहीं क्यों आज इस दिल का मौसम बदल सा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे एक मासूम सी ख्वाहिश सर उठा रही है, जैसे ये दिल किसी का होना चाह रहा। कितनी मिठास है आपकी बातों में, आप तो सबका दिल मोह लेंगे। हम सफर चाहिए, वजूम नहीं। अच्छा ये सेवइयां तो खा के बताए ना, कैसी बनी है? अच्छी बनी है। हाँ तो और लें, अच्छी कैसे ना बनती, मैंने इतनी मेहनत से बनाई है। आपकी चाय। नाजी इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
जी राजी, क्या तुम मेरी आंखें भनोगी? राजी मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। तुम मेरी शरीके गम तो हो, क्या मेरी शरीके हयात बनना चाहोगी? जवाब तो ये शादी मुमकिन नहीं है। उसकी क्लास और हमारी क्लास में जमीन आसमान का फर्क है बेटा। मैं एक घर की मुलाजमा को मालकन कैसे बना दूं? अगर वो इस घर की मुलाजमा है तो आपके भतीजे में भी तो कमी है। क्या जिंदगी है मेरी? किसी के सहारे के बगैर मैं दो कदम नहीं चल सकता, और वो तो फिर सारी जिंदगी मेरे साथ चलने को तैयार है, मेरी आंखें बनकर, मेरा सहारा बनकर। मैं वो नहीं हूं जो तुम जो भी हो, जैसी भी हो, मैं तुम्हें दिल की आंखों से देखा, और दिल की आंखें किसी शक्ल सूरत की मोहताज नहीं होती। प्लीज पप्पू, प्लीज। थैंक यू। देख लो, मैं कहा करता था कि वो बहुत खुश नसीब होगा जो तुम्हारी जिंदगी में आएगा, और वो खुश नसीब मैं ही हूँ जो तुम्हारी जिंदगी में आई। आपने भी तो अपना साथ देकर मेरी जिंदगी को इतना खूबसूरत बना दिया है। 4 माह हो गए हमारी शादी को, पता भी नहीं चला, ऐसे लगता है जैसे कल की बात है। नाजी बेटा, एक खुशखबरी लेकर आई हूँ मैं। नुमान की आंखों के लिए डोनर मिल गया। क्या? अब खैर से ये दोबारा से देखना शुरू करेगा। पप्पू, मैं कभी भी इतना खुश नहीं था कि मेरी आंखें लौट आएंगी, लेकिन अब मुझे बेसब्री से इंतजार है अपनी आंखों का, ताकि मैं अपनी आंखों से अपनी नाजी को देख सकूं। अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी नाजी कहाँ है? कौन है? हटाए से यहां से, कौन है ये? जाओ जाओ, जाके नाजी को बुलाओ। यहां खड़ी हुई शक्ल क्या देख रही हो? अपने जहन पर ज्यादा बोझ मत डालो। नाजी कहाँ? जिसे तुमने अभी लान तान करके भेजा है वही नाजी है। ऐसा कह दें कल से ये खाना नहीं बनाएगी। अब बस भी करो नुमान। मेरे सब्र का इम्तिहान ना लीजिए,
मुझे तो ये सोच सोच कर घिन आ रही है कि मैं इसके हाथों से खाना खाता रहा हूं। शर्म करो नुमान, शर्म करो। तुम सारी जिंदगी इस बच्ची की कुर्बानियों का सिला नहीं दे सकते। तो आप दे दीजिएगा। नुमान के इस रवैये की वजह से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बेटी। मुझे उसके इस रद्द अमल की तवक्को नहीं थी, लेकिन फिक्र ना करो, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा बेटी। इन सब में मेरा क्या कसूर? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं नुमान की बेरुखी सह सकती हूँ, लेकिन उसकी नफरत बिल्कुल भी नहीं। तुम परेशान ना हो बेटी, नुमान दिल का बुरा नहीं है। उसने ख्याल में न जाने कौन सी तस्वीर बना रखी थी, और तुम बिल्कुल उसके बरक्स हो, इसीलिए उसे ये सब समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये वक्त ही तो मेरा दुश्मन बन गया है पप्पू। वक्त ही का कसूर है ये। अपनी मोहब्बत पर भरोसा रखो बेटी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, समझे? न जाने कैसे दिन है, न जाने कैसी रातें, गुलाबों पर है कांटों की बरसातें। नाजी, नाजी बेटा, नाजी, कहाँ जा सकती है? ठीक है, मैं कल फिर वेट करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफिज। मैं लॉज से बात कर रहा था। आप मुझे गलत मत समझिएगा। मैं एक ही मौत बार बार नहीं मर सकता हूँ। उसका वजूद मुझे मेरे नाबीना होने का एहसास दिलाता है। अगर उस वक्त मेरी आंखें होती तो मैं ये भूल कभी भी नहीं करता। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं उसे तलाक दे रहा हूँ। कल पेपर्स आ जाएंगे, आप उसे साइन करवा लीजिएगा। खर्चा सारा उसको मिलता रहेगा, जो भी मंथली उसका है। उसकी सारी जरूरतें पूरी होती रहेंगी। अब इन सारी बातों की कोई जरूरत नहीं, नाजी घर छोड़ के जा चुकी है। लो पढ़ लो इसे। उस वक्त तो बड़े दावे करते थे दिल की आंखों के। है कहां गए वो दावे, कहां गई वो एहसास की बातें, वो पाकीजा मोहब्बत। शर्म आ रही है मुझे तुम्हारी इस सोच पर। उस बिचारी ने तुम्हारी हर कमी को भुलाकर तुम्हारे दिल से मोहब्बत की। तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ खुदगर्ज मोहब्बत थी, जिसमें सिर्फ तुमने अपना मुनाफा देखा। बीवी के रूप में तुम्हें एक आया मिली थी, जो नबीनापन में तुम्हारा सहारा बनी, तुम्हारी देखभाल करती रही और बदले में तुमसे कुछ भी ना मांगा।
शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और हाँ, एक बात तुमसे कहना चाहती हूँ जो इस खत में नहीं लिखी। हम दोनों ने सोचा था कि जब तुम्हें आंखें मिल जाएंगी तो तुम्हें खुशखबरी सुनाएंगे। नाज़ी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। नुमान बेटा, नाज़ी मिल गई है। अभी डॉक्टर उज़्मा का फोन आया है, हॉस्पिटल में है वो। नाज़ी की खातिर ना से ही बेटा, लेकिन तुम्हें अपने होने वाले बच्चे के लिए तो जाना चाहिए। नाज़ी के साथ तो तुम्हारा कागज का रिश्ता था बेटा, जिसे तुमने तोड़ दिया। लेकिन वो तो तुम्हारी औलाद है, उसके साथ तो तुम्हारा खून का रिश्ता है। तुम चाहकर भी अपने खून के रिश्ते से मुंह नहीं मोड़ सकते बेटा। क्या सोच रहे हो नुमान, उठो चलो। हमने बहुत कोशिश की मगर इसकी माँ को नहीं बचा सकी। बेटी दी है तुम्हें, तितलियां नैनों से फूटे क्यों आतिश पे।